शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सब कुछ जल गया मेरा, सब कुछ। हे अग्निदेव, सारे ब्रह्मांड को रोशनी देने वाले, अब तो बता दे कि पाप क्या है, पुण्य क्या है। तू धरती को रोशनी देने के लिए आता है, मगर इसके लिए तुझे अंधेरे में डूबना ही पड़ेगा। लेकिन मैं क्यों जल रहा हूं? क्या पाप किया है मैंने? क्या पाप किया? क्या मैंने सारे पुण्य को जला दिया? कल बताओगे? कल, कल मैं फिर आऊंगा, कल मैं फिर आऊंगा, कल मैं फिर आऊंगा, कल मैं फिर गुड मॉर्निंग। व्हाट इज सो गुड अबाउट द मॉर्निंग? दैट्स नाइस। आप लोगों ने सारा मार्केट, बगीचा, ये सब देख लिया? हाँ हाँ। नाउ आई विल शो यू क्रेजी मैन डांसिंग। मिठाई दे। कैसा पागल है? इसे बोल डांस करेगा तो मिठाई खिलाऊंगा। ए, किसको बोला? मेरा नाम डॉक्टर राम गोपालाचार्य है। भले ही दुनिया मेरा नाम भूल गई, लेकिन मैं अपना नाम नहीं भूला। डांस करेगा तो मिठाई खिलाऊंगा, लेकिन ये कैसे डांस करेगा भाई? इस चेन, इसके तो हाथ पर बंधे हुए। इन बेड़ियों में तो नटराज भी डांस नहीं कर सकता, लेकिन मैं नाचूंगा, क्योंकि आई डू नॉट डांस विथ माई फीट ओनली, आई डांस विथ माई हार्ट एंड सोल। वॉच क्लासिक डांस ऑफ लव।
तेरे हाथ और पैर से खून बह रहा है। ये खून नहीं, मेरे क्रोध का रंग है। चाटेगा इसे, चाटेगा। मुझे नहीं चाहिए तेरी मिठाई, नहीं चाहिए। मुझे मुझे नहीं चाहिए तेरी मिठाई। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए।
Who is this man? आज जिसके पांव खून से रंगे हैं, कभी इन्हीं पांव के नीचे फूल बिछाए जाते थे। संसार एक माया जाल है, और माया क्या है? दौलत, कामयाबी, औरत, शोहरत, मोहब्बत, सेक्स, इसीलिए संतों का कहना है, अगर माया से दूर रहना है तो नारी से दूर रहो, क्योंकि नारी सिर्फ शरीर को ही कमजोर नहीं करती बल्कि आत्मा को भी निर्बल कर देती है। अगर पुरुष नारी से दूर रहेगा तो यह संसार कैसे चलेगा आचार्य जी? यू आर राइट, लेकिन पहले नारी का अर्थ समझो। एक वो नारी है जो जननी है, मां है, पत्नी है, बहन है, और एक वो नारी है जो विनाशक है। हम उस नारी से दूर रहने की बात कर रहे हैं जो विनाशक है, पापन है, अ सिनर। Yeah!
मर गए हम। अकुरी 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 मिल गई ना आचार्य जी, पूना वाले सुभाष सनस का फोन है आपके लिए। हाँ सुभाष जी, बोलो। होम मिनिस्टर साहब जी को बोलो कि वो 7 दिन तक दुर्गा स्तुति का जाप करें, फिर से इलेक्शन जीत जाएंगे। बाय। आचार्य जी, आई एम सूरज। सूरज लंदन वाले मल्होत्रा जी का बेटा। आई नो योर फादर वेरी वेल। सुना कि तुम यहां बहुत बड़ा बिजनेस एस्टैब्लिश करने आए हो, समझ लो कि हो गया। जी कैसे? माथे पे लिखा है। ओके सदानंद जी, आज सूरज हमारे साथ लंच करेगा। जी थैंक यू। हेलो, हाँ जिमी, जिमी चिल, आई विल बी देयर सर, एक्सक्यूज मी। हाँ जिमी, अरे जिमी चिल, आई विल बी देयर, रिलैक्स। Don't worry, don't worry, I'm coming. I'm coming, don't worry about it, okay? Just chill, just relax, okay? I'll be there. Okay, bye. Sorry sir, I'll make a move. कहाँ जा सकते हैं? अरे आचार्य जी ने आपको लंच के लिए इनवाइट किया है। Not possible. मेरे बचपन का दोस्त है जिमी, पेरिस में रहता है, डांसिंग गर्ल्स के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बना रहा है, इसीलिए मुझे उसके साथ किसी डांसिंग जॉइंट पर जाना पड़ेगा। तुम्हारा वहाँ पाँव रखना ठीक नहीं होगा, किसी और को भेज दो। I can't do that. He'll feel bad. बचपन का खास दोस्त है मेरा।
आचार्य जी के साथ मेरा लंच उधार रहा जी। ओके आइए आइए आइए। क्या है, किससे मिलना है? सितारा देवी को मिलना है। सितारा देवी डेंजरस तो डेंजरस मैं हूँ ना, इंडियन ब्यूटी, इंडियन ब्यूटी। हाँ हाँ, समझ गया। बाबा वो डोली को बुलाओ। हाँ स्त्री, एक मिनट डोली। स्त्री, इंडियन ब्यूटी, इंडियन ब्यूटी। आई एम हियर, आई एम हियर। ये कोरियोग्राफी हेलो। अरे तो फिर आ गया मुआ। नमस्ते जी, मेरा नाम सूरज है, यह है नेपोलियन, मेरे बचपन का दोस्त। हाँ। पेरिस में रहता है, डांसिंग गर्ल्स के ऊपर एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहता है। अरे तो इस बेचारे को समझाओ, डाकुओं पर फिल्म बनानी है तो यहाँ क्यों चला आया? डॉक्यूमेंट्री कोरियोग्राफी, डॉक्यूमेंट्री छोटी सी फिल्म जिसमें ये दिखाना चाहता है कि प्राचीन नृत्य कलाकारों के घराने की लड़कियाँ कैसे नृत्य करती हैं। अरे वाह, ये तो बड़ा अच्छा काम कर रहा है। अच्छा तो ये आड़ा टेढ़ा होकर ये समझाने की कोशिश कर रहा था और हम समझ ही नहीं पाए पान चबाके। वो ऐसा है कि ये सिर्फ फ्रेंच अच्छी तरह बोल सकता है या टूटी फूटी अंग्रेजी, क्या बोलता है किसी को समझ नहीं आता। वो स्त्री ने वो स्त्री मैंने स्त्री 4-5 स्त्री स्त्रियों में कोरियोग्राफी स्त्रो वर्क शुरू हो गया। 4-5 लड़कियों की जरूरत पड़ेगी। इस काम के लिए 4-5 दिन भी लग सकते हैं। और इस काम के लिए आपको मुंह मांगी रकम भी मिलेगी। सब ठीक हो गया। अस्त्रो फास्त्रो, मैं पायल, मैं बिंदिया, मैं लाली, काजल, केसरी, चंदन, मेहंदी और मैं डोली। अच्छा एक बात बताओ, ये डोली क्या नाम है? मैं बहुत छोटी थी, जब पता नहीं कैसे सितारा देवी तक पहुंच गए, ना माँ का ध्यान ना बाप का पता, मगर जितनी लड़कियां थी उनके नाम श्रृंगार से जुड़े हुए थे, बस एक डोली की कमी थी तो मेरा नाम डोली रख दिया गया। शादियों में हम नाच गा तो सकते हैं पर हमारे हाथों की लकीरों में मांग का सिंदूर कहाँ? Very strange to hear. प्यार और परिवार के बगैर जिंदगी गुजारने का ख्याल भी कैसे जीने देता है तुम्हें? ख्याल ही तो जीने देता है हमें, हमारी जैसी लड़कियों का बस एक ही सपना होता है कि एक राजकुमार सफेद घोड़े पर आएगा और हमें अपने महल ले जाएगा, लेकिन ये सपना कभी पूरा नहीं होता। साथी मेरे
इस नजदीकी को अगर दोस्ती का दर्जा मिल जाए तो मैं कोई भी कुर्बानी दे सकती हूँ। ना चाहत है सितारों की, ना तमन्ना है नजारों की, जब आप जैसा दोस्त मिल जाए तो क्या जरूरत है कुर्बानी की। थैंक यू। तो आप कब तक है यहाँ? मैं यहाँ से सीधा एयरपोर्ट जा रहा हूँ। एयरपोर्ट? मैंने आज तक कभी एयरपोर्ट नहीं देखा। क्या मैं भी आ सकती हूँ आपके साथ, आपको टाटा करने? ये बात और है कि आपसे जुदा होने का गम महसूस करना चाहती हूँ। इसमें मेरे सारे टेलीफोन नंबर्स हैं, कभी भी मेरी जरूरत महसूस हो या मुझसे बात करने का दिल चाहे या मेरी याद आए तो फोन करने के लिए सोचना मत, जस्ट कॉल मी। ओके, वन सेकंड। हेलो जी सर, मैं आ रहा हूँ सर, जस्ट इन 5 मिनट्स। या आई एम कमिंग। बाय, सी यू। ड्राइवर, ये तुम्हें घर छोड़ देगा। जी। प्यार है हो जाने कैसे हो गया तेरे साथ प्यार है, तूने मेरा लूट लिया चैन करार है, रब दिसो मैंने सब कुछ वार दिया। चम्मक छल्लो को बुलाना। हाँ, डोली आए, गोली चलाए और सब कुछ लूट जाए। बुला डोली को। अरे डोली, तू अभी तक तैयार नहीं हुई, वहाँ लोगों की बेताबी आसमान छू रही है। नाचना तो दूर की बात, मेरे कदम तो हिलने से इनकार कर रहे हैं, दिल बस टूटा जा रहा है। कामिनी जी, जाओ उन सबसे कह दो आज महफिल नहीं सजेगी, डोली की तबीयत ठीक नहीं है। जी। डोली, हर पैर सोने की पायल पहनने के लिए नहीं होते, हाँ भी छाननी पड़ती है। हमारे धंधे में हमें प्यार करने की इजाजत नहीं दी जाती, ना ही हमें हक है। चाहे जिसकी कसम ले लो दीदी, मैंने प्यार किया नहीं, बस हो गया। न जाने क्यों मैं बिल्कुल बेबस महसूस कर रही हूं, मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरी यादों में बसने वाला मुझे याद करता है या नहीं। ना बेटी ना, रो मत मेरी बच्ची। डोली, मुझ पे यकीन नहीं, अपने नसीब पर यकीन कर। हो सकता है कि तेरा कल खुशियों और मोहब्बत से भरा हो। सुख दुख सारा तेरे नाम किया है साथी मेरे, बेटी तेरी किस्मत जाग उठी है पान चबा के। पता है सूरज जी का फोन आया था, उन्होंने बुलाया है तुझे, गाड़ी भेज रहे हैं अपनी, चल तैयार हो जा। दीदी, अरे दीदी दीदी कुछ नहीं, चल तैयार हो, जल्दी कर जा।
मेरी बच्ची को जिंदगी की हर खुशी नसीब हो। मिस्टर सूरज किस कमरे में है? 501। थैंक यू। वेलकम। अगर आपका बुलावा नहीं आता तो मैं तो गई थी। गई थी? पर कहाँ? वहाँ जहाँ से मैं आई हूँ। कहाँ से आई हो? ऊपर से। ऊपर से? ओ, फिर तो तुम पर ही हुई। एक बात बताओ, तुम्हारे पंख कहाँ है? यही तो है मेरे पंख। अच्छा। डोली क्या हुआ? चुप क्यों हो? बोलो ना। जब आप दूर होते हो मेरे होंठ बोलते रहते हैं, और जब आप पास हो तो मैं कुछ नहीं बोल पा रही हूं। अगर ऐसा है तो एक काम करो, समझ लो मैं तुमसे बहुत दूर हूं, और जो जी में है सब कह डालो। सब कह डालो? हाँ सब कह डालो। मैंने आपको मेरा पति मान लिया है। ये रिश्ता ना तो कोई कानूनी होगा ना ही सामाजिक, इसका आधार सिर्फ प्यार होगा। वो पति नहीं जो हो देवता या ईश्वर, वो तो सिर्फ एक इंसान हो जिसकी पूजा नहीं की जाती, बस जिसे बहुत सारा प्यार दिया जाता हो। मुझे बस इस प्यार का इतना सा भी हिस्सा मिल जाए तो मेरे पूरी जिंदगी के लिए काफी है। आज मेरी जिंदगी की नई शुरुआत है और मेरी यही तमन्ना है आखिरी दम तक कि सूरज हमेशा मेरे साथ रहे। यही तो कहा था, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। अब बोलो। अच्छा ये चॉकलेट दो। दिस टेक इट। अरे टेक इट दो ना। ये क्या है? बटन्स खुले क्यों है? व्हाई डोंट यू पुट इट फॉर मी? डोंट डू दैट विद मी, ओके? वॉच इट, वॉच इट विद मी, ओके? ठहर जा, तेरे को मैं एक सेकंड। वॉच इट, वॉच इट, वॉच इट। ये 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 ओ ये ये ओ
क्या सोच रही हो? सच कहूं, आपसे जुदा होने का डर सताए जा रहा है मुझे। Come on, मैं ना हूं, आने वाले वक्त के बारे में सोचने की जरूरत क्या है? तो आप कहना क्या चाहते हैं? आने वाले कल के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए? नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। आने वाले कल के बारे में सोचकर अपना आज क्यों बर्बाद किया जाए? मेरी इच्छा है कि मेरे आने वाले कल में बस आप, सिर्फ आप और कुछ नहीं। तुम्हारी इच्छा पूरी हुई कन्या। तुम्हारा आने वाला कल और परसों सिर्फ मैं सिर्फ मैं हूं। डोली, आई लव यू। मैं तुमसे शादी करूंगा। हां मल्होत्रा जी, सुना है सूरज किसी वेश्य के चक्कर में फंस गया है। अगर ये सच है तो उन दोनों को अलग करना होगा। कुछ भी कीजिए आप, पॉलिटिकल प्रेशर लगाना हो तो वो भी लगाइए, मुझ पर यह एहसान कर दीजिए, नहीं तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। प्लीज सेव मी। सूरज, कहाँ हो तुम? सूरज, कहाँ हो तुम? सूरज, सूरज। तुमने तो मुझे डरा ही दिया। दिल यहां होता है ना, यहां अटक गया। अब कहां है? अब तो मेरे बस में नहीं। Thank you.
सेक्स। सेक्स को हमने अपने जीवन से ऐसे अलग किया है जैसे सूर्य उदय के साथ समय अपने दामन को अंधेरे से अलग करता है। हम जहां हैं वहां संध्या न प्रभात होता है, वहां सब समान रहता है। देयर इज नो टाइम नो स्पेस ओनली जीरो। तुम बहुत सेक्सी लग रही हो। थैंक यू जेंटलमैन, थैंक यू वेरी मच। क्या हुआ, क्यों यकीन नहीं? कैसे हो सूरज? जी अच्छा हूं, आप कैसे हैं? कौन है ये लड़की? ये डोली है, मेरी दोस्त। लड़की बहन हो सकती है, पत्नी हो सकती है, ये तुम्हारा कौन सा नया रिश्ता है? प्रेम का रिश्ता। रिश्ते के बिना प्रेम भी पाप है। जी क्या मतलब? पैसों से खरीदा हुआ वासना तृप्ति का हर साधन पाप है। ये आप क्या कह रहे हैं, प्रेम से पवित्र कोई भावना नहीं होती? भावना पवित्र होती है, कर्म अश्लील होता है। हमारी भाषा में हर अश्लील कर्म पाप है, आंखों का छल है। इसे सावन की पहली बौछार समझकर भीग लो, मजे लो और भूल जाओ। गंदे छल की तरह इसे पैरों में रहने दो। ऐसी लड़कियों के अगले पल का अंदाजा तुम नहीं कर सकते। मैं डोली से प्यार करता हूं, आई लव हर। देखो सूरज, हम तुम्हारे पिता को जानते हैं, वो तुम्हारा रिश्ता एक अच्छे खानदान की लड़की से तय कर चुके हैं। तुम्हारा कोई हक नहीं बनता कि तुम अपने परिवार की इज्जत को मिट्टी में मिला दो। जो किताब पढ़कर समझ में ना आए उसे फेंक देना ही अच्छा है। इनके चुंगल में पढ़कर शरीफ आदमी भी अपनी इज्जत शोहरत मर्यादा से लूट जाता है। कभी कभी जिंदगी में ऐसा भी कोई मिल जाता है जिसके हाथों लूट जाने को मन चाहता है। वासना में डूबे हो इसलिए तुम दोनों ऐसा सोचते हो कि साथ रहकर सुख मिल जाएगा, है ना? तुम एक दूसरे को ख्वाब दिखा रहे हो, झूठे ख्वाब। तुम्हें इससे आशा है प्यार की और इसे तुमसे लूटना है धन। लेकिन जीवन का एक सत्य यह भी है कि दो बड़ी गलतियां मिलकर कभी भी एक छोटा सा सच भी नहीं बन सकती। मिस्टर आचार्य, ना तो आप मेरे गुरु हैं और ना ही मेरे बाप। अपनी शिक्षा अपने पास संभाल कर रखिए, कहीं और जाकर खर्च कीजिए आप। इसके इश्क के सुरूर में इतना गुरूर मत करो सूरज, जल जाओगे। मैनेजर, ये 5-स्टार होटल है या प्रोस्टिट्यूट का अड्डा? मैं तुझ पे कुर्बान, तू मेरा अरमान। मैं तुझ पे कुर्बान, तू मेरा अरमान। ओ मेरी जाने जा, ओ मेरी जाने जा, कदमों में तेरे नजरें बिछा दूं, आजा तुझे सीने से लगा लूं। तू मेरा ईमान, तू मेरा अरमान।
लाली लबों पे लगा दूं, आजा तुझे सीने से लगा लूं, तू मेरा ईमान तुझे सीने से लगा लूं, मैं तुझ पे कुर्बान, तू मेरा अरमान, ओ मेरी जाने जा, ओ मेरी जाने जा, मैं तुझ पे कुर्बान। हेलो, तुम्हारा इरादा क्या है? साफ साफ बोलो, किस बारे में डैड? उस वैश्या के बारे में जिसे तुम अपना दिल दे चुके हो। She's not what you're thinking, Dad. She's a dancer, और डांस एक कला है, Dad. एक अमीर आदमी को फांसना भी कला है, Dad. देखो, अगर तुम किसी वैश्या को ब्याह कर अपने घर ले आओगे तो लोग हम पर थूकेंगे भी नहीं। और कान खोल कर सुन लो, मैंने राजवंश की बेटी दामिनी के साथ तुम्हारी शादी पक्की कर दी है, और ये शादी किसी भी हालत में होकर रहेगी। डैड शट अप। सूरज ये मत भूलो कि तुम्हारी एक छोटी बहन कविता भी है, उसी भी शादी करनी है हमें। डैड जस्ट प्लीज लिसन टू मी, ओके? मैं मानता हूँ कविता की शादी करनी है, और आपसे ज्यादा मुझे मेरी बहन की शादी की फिक्र है, पर इससे मेरे रिश्ते का क्या लेना देना? अरे तुम जानते नहीं इन प्रोस्टिट्यूट्स के बारे में। डैड आप मेरी शादी मुझसे पूछे बगैर कैसे कर सकते हैं? मैं कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। एंड दिस इज माई लास्ट वार्निंग टू यू, थ्रो दैट बिच आउट ऑफ योर रूम एंड आउट ऑफ योर लाइफ, डू यू अंडरस्टैंड? क्या कुछ नहीं किया अपनी फैमिली के लिए? क्या कुछ नहीं किया? मेरी होने वाली पत्नी को वैश्य कहा गया? वो वैश्य नहीं है डैड, वो वैश्य नहीं है, वो मेरी होने वाली पत्नी है डैड, मेरा होने वाला प्यार है डैड, वो वैश्य नहीं है डैड।
प्यार है हो जाने कैसे हो गया तेरे साथ प्यार है तूने मेरा लूट लिया चैन करार हेलो आप जल्दी से ये होटल छोड़ दीजिए नहीं तो हमें पुलिस बुलाकर आपको प्रोस्टिट्यूशन के जुर्म में गिरफ्तार करवाना पड़ेगा जी नहीं आपको कोई कष्ट करने की जरूरत नहीं मैं जा रही हूँ साथी मेरे तेरा इंतजार हम करेंगे रेत में फूल खिलाए थे तूने नतीजा देख लिया एक ही मौज बता गई कि दरिया क्या है आचार्य जी मैंने सूरज से प्रेम किया है यह प्रेम तो एक बहाना है अपनी हवस को दबाने के लिए वासना के बोझ तले कुचले हुए ढाई अक्षर प्रेम आपके शब्दकोश में प्रेम और वासना में कोई फर्क नहीं है अरे आपकी हालत तो एक ऐसे अंधे जैसी है जो उजाले और अंधकार में फर्क ही नहीं करना चाहता ए लड़के पाप करती है और उपदेश भी देती है धंधा हुस्न का करती है और देख रहा हूं कि शब्दों की कला में भी माहिर हो आपने ही मुझे आज बोलने पर मजबूर कर दिया है और सुनो मैंने कोई पाप नहीं किया बस अपना धर्म निभाया है नीच को नीच कार्य करने से ही सुख मिलता है तुझ जैसे वेश्या को ग्राहक से ही सुख मिलता है और तू धर्म की बात कर रही है मेरा धर्म था मुझ तक आने वाले हर मर्द को खुश करना वही मैं करती आई हूं सूरज भी एक मर्द है अगर उसने मुझे जो कुछ दिया वो अधर्म है तो मैं इस अधर्म के साथ पूरी जिंदगी जीने को तैयार हूं संसार से भागने वाले आप जैसे मर्द मेरी इस भावना को कभी नहीं समझ पाएंगे खामोश बदतमीज मुझे सिखा रही है अपनी मर्यादा में रहना सीख हम ज्ञानी लोग कभी अपनी सीमाएं नहीं तोड़ते अपनी मर्यादा में ही रहते हैं लेकिन तूने तो सारी मर्यादा ही तोड़ दी बिना विवाह के एक कमरे में एक बिस्तर पे जी हमें तो सोचकर ही घिन आ रही है क्या होगा हमारे समाज का जब तुझ जैसी लड़कियां शरीफों की गलियों में नजर आने लगेंगी आचार्य जी मैंने सूरज से प्यार किया है मेरे इस पाक रिश्ते को गाली मत दीजिए सिक्कों की झंकार पर नाचने वाली कभी प्यार के बारे में सोच ही नहीं सकती तू अपने रिश्ते को पाक कहती है पापन असिनर तू सूरज और उसके खानदान को लूटना चाहती थी जो खुद प्यार में लुट गई हो वो किसी को क्या लूटेगी पर ये आप नहीं समझेंगे डोली बेटा ये क्या हाल बेटा क्या हुआ मेरी बच्ची कुछ मत पूछो दीदी कुछ मत कहीं सूरज ने तो कुछ नहीं दीदी अग्नि तो सबको जलाती है लेकिन कुछ ऐसी बातें होती है जो दिल को बिना आग के ही जलाते रहती है ना बच्चे बस 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 बेटा हिम्मत रख बच्चे बस बस रोते नहीं आओ भाइयों आओ कैसी हो सितारा चौधरी साहब
आप यहाँ इस वक्त? हाँ सितारा, यह हमारे कुछ खास, खास नहीं, खासम खास मेहमान दोस्त हैं, हमारी पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता। सितारा, आज हमारा जन्मदिन है, हम पार्टी मना रहे थे तो सोचा क्यों ना डोली के लचकीले बदन और मीठी आवाज से आज की शाम को और रंगीन बनाया जाए। क्यों भाइयों, चलो डोली। चौधरी साहब, आपको जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो, लेकिन मैं माफी चाहूंगी, आज बच्ची ना गा पाएगी ना नाच पाएगी, इसकी तबीयत ठीक नहीं है। हाँ? तबीयत खराब चल रही है? हाँ जी। अरे सितारा, हम डोली को ऐसी गोली देंगे कि इसकी तबीयत हरी भरी हो जाएगी। है? ले चलो इसे। खबरदार, जो तूने डोली को हाथ पे लगाया तो। सितारा, यहाँ सिर्फ चौधरी साहब का हुक्म चलता है। चौधरी साहब, मैं हाथ बच्ची को छोड़ दी, इसकी तबीयत ठीक नहीं है, बेचारी बहुत दुखी है। अरे सितारा, तुम हमें क्यों दुखी कर रही हो भाई, आज हमारा जन्मदिन है। चौधरी साहब, आपका जन्मदिन मनाएंगे, बच्ची को छोड़ दे, कोई और लड़की को मैं नचवा दूंगी पान चबा के। चौधरी साहब, आप कहीं तो मैं नाच दूंगी पान चबा के। नहीं सितारा नहीं, वो क्या है ना कि तुम्हारा वो तातैया नहीं देखना है, हमें तो आज डोली का सेक्सी डांस देखना है। चौधरी साहब, मैं सेक्सी डांस करूंगी, मेरी बच्ची को छोड़ दे, मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके आगे। अरे वो डलती जवानी, तुम सेक्सी डांस करोगी? अरे सुना, सितारा सेक्सी डांस करेगी। चौधरी साहब, शायद आप नहीं जानते, हरी मिर्च जब लाल होती है ना और तीखी हो जाती है पान चबा के। अच्छा तो ठीक है, हम पहले लाल मिर्च का मजा लेंगे, और याद रखना सितारा, अगर मिर्ची तीखी नहीं लगी तो इस हरी मिर्च को नहीं छोड़ेंगे हम। चल शुरू हो जा। दोस्तों, अपनी अपनी पार्टी चुन लो और मेरा जन्मदिन सेलिब्रेट करो। दीदी, दीदी,
दीदी हटो सामने से बोले बचाओ दीदी बचाओ तू मारेगी मुझे नहीं हराम साधे तुझे मैं नहीं मारूंगी तू मारने के लायक भी नहीं है पान चबा के तेरे तो मैं टुकड़े टुकड़े कर दूंगी कमीने हमने कोई पाप नहीं किया है हमने तो पुण्य किया है एक पापी का खून बहाया है डोली तू अपने मन में सूरज के प्यार की आस हमेशा जगाए रखना देखना एक दिन तेरी ये तपस्या तेरी मां का सिंदूर बन के चमकेगी दुख तो इसी बात का है कि तू अकेली है। चलो मिलने का टाइम खत्म हो गया आदमी ऐसा एक मूर्ख प्राणी है यूं कहो कि एक गधा है जो बार बार गड्ढे में गिरता ही रहता है वासना की आग माया जाल का वो गड्ढा है जिसमें आदमी धसता ही चला जाता है और हम जैसे ज्ञानियों का काम क्या है उसे उससे बाहर निकालना सही को गलत से दूर रखना वैसे ही वासना की आग में एक डूबी हुई पैसों की पुजारन के चुंगल से आज हमने एक शरीफ और नौजवान को बाहर निकाला है छोड़ दिया भाग खड़ी हुई छोड़ दिया उस पापन ने उसे अब उस लड़की की हिम्मत नहीं होगी कि किसी शरीफ आदमी के सामने सर उठाने की भी नमस्ते आचार्य जी आप सबको जानकर ये खुशी होगी कि मैं ही वो दौलत की पुजारन हूँ जिसका जिक्र अब भी आचार्य जी कर रहे थे तुम यहाँ क्यों आई हो आप तो गुस्सा हुए कि मैं आपकी गली आई हूँ पर मुझे तो ये हैरत है कि आप मेरी शक्ल नहीं भूले क्या चाहिए तुम्हें चाहती तो अब भी सूरज हूँ सूरज लंदन जा चुका है वहां वो किसी शरीफ घर की लड़की से शादी कर रहा है जा अपने धंधे में फिर से वापस जा यहाँ तुझे कुछ नहीं मिलेगा मैं सूरज को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ वो मुझे छोड़ देगा लेकिन मेरे प्यार को कभी नहीं छोड़ेगा मैं सूरज को अपना बनाकर ही दम लेती लेकिन मैंने अपना दामन खुद ही जला लिया अपने हाथ जलाए ताकि किसी और के हाथ में मेहंदी सज सके और रही बात धंधे की आचार्य जी हमारे धंधे में सौदा कभी घाटे का नहीं होता वो चाहे कुर्बानी क्यों ना हो मुनाफा हमेशा हाथ में ही आता है बहुत खूब लड़की कान खोलकर सुन ले लड़की वेश्या कभी किसी गरीब की कुठिया की शान नहीं हुई हमेशा अमीरों के दामन पर लगा ताक रही है तो मिटा दीजिए मेरे वजूद को कर दीजिए मेरा तन मन पवित्र आपके लिए तो कुछ भी मुश्किल नहीं है नीम की जड़ में कितना भी मीठा डालो फिर भी वो कड़वा ही रहेगा जिसका जो संस्कार है वो वही रहेगा माहौल बदलने से फितरत नहीं बदलती जब किसी चीज के गुणों का पता ना हो तो अक्सर उसकी बुराई होती है
कागज की नाव की तरह है मेरी जिंदगी की दिशाएं। पानी का रुख जिधर बहे वहां बहा दीजिए मुझे। आप भी बदल जाएंगे तो इस बात से शिकायत नहीं होगी मुझे, क्योंकि कौन करता है टूटे मकानों की देखभाल। गुरुजी आप तो मार्गदर्शक हैं, अगर आप इसे शरण नहीं देंगे ये तो भटक जाएगी। इसे रख लूं, इसे झूठे ख्वाब दिखाने के अलावा आता ही क्या है? जिसे दिल देना आता है उसे हर काम आता है, और आप जैसे महापुरुष के गुस्से को शांत करने का सिर्फ एक ही रास्ता है, उनकी शरण में चले जाना। सदानंद जी, इसे पास वाली कुटिया में रखो, आश्रम के नियमों का पालन नहीं कर पाएगी तो खुद ब खुद भाग जाएगी। आचार्य जी, सिर्फ एक बार आपके चरण छूने का मौका दीजिए। वैश्या है, और तुम कैसे कह सकते हो कि वो तुम्हें चाहती है तुम्हारी दौलत को नहीं? वो तुम्हें वासना के जाल में फंसाकर हमारी सारी दौलत समेटकर वापस उन गलियों में चली जाएगी। डैड, मैं आपको बार-बार समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि डोली वैश्या नहीं है। मैं समझ रहा हूं आपको अपने बेटे की खुशियां नहीं चाहिए, आपको दौलत का है ना सिर्फ। डैड आप रखिए दौलत अपने पास, मुझे नहीं चाहिए, आपकी दौलत है। ठीक है, मैं शादी ही नहीं करूंगा, हम कविता की शादी करेंगे। Just relax yourself, okay, Dad? Just relax. लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं डैड, कि डोली से पवित्र सुंदर उससे ज्यादा मुझसे प्यार करने वाली नहीं मिलेगी डैड। लो खाना खा लो। ये लीजिए, ये ऑर्डर किया आपके लिए। ये? हाँ। लड्डू पेड़े बर्फी ये? ये शगुनों का पेड़ा। ये हमारी मिलने की खुशी में, और ये लड्डू। आपने मुझे इतना प्यार दिया उस खुशी में, मुंह खोलो ना। और ये बर्फी, ये बर्फी इस खुशी में कि मैं तुम्हारी हमेशा के लिए। डोली बिल्कुल, और आज से मैं सिर्फ तुम्हारा।
माने ना माने तू जानू मैं इश्क की बस्ती सी बस्ती है आचार्य जी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अपने पाप धो रही हूँ। गंगा मैया के पास भी इतना जल नहीं जो तुम्हारे पाप को धो सके। मन शुद्ध हो तो घर में ही गंगा है, फिर तीर्थों से क्या लेना। अपने से कोई प्यार करने वाला हो तो दुनिया से क्या लेना। तेरे भाग्य में ये सुख लिखा ही नहीं है। भाग्य के सहारे जीने वाले लोगों ने ही ईश्वर और भाग्य दोनों को बदनाम कर रखा है। फूलों की खुशबू तो मिट्टी समा लेती है, पर मिट्टी की गंध फूलों में कभी नहीं समाती। पर ये फूल भी तो मिट्टी से ही उगता है। बिना मिट्टी के ना फूल और ना ही उसकी खुशबू होती है, फिर मिट्टी से इतनी नफरत क्यों? बंजर जमीन पर फूल नहीं खिलते, इसमें भला बसंत का क्या दोष? चातक के मुंह में वर्षा की बूंद कभी नहीं गिर सकती, फिर इसमें बादल का क्या दोष? आचार्य जी, जो भगवान ने मेरे नसीब में लिख दिया है, इसमें मेरा क्या दोष? खार की तरह मिली है मुझे मेरी तकदीर, जिससे लिपटूं वो दामन छुड़ाना चाहता है अपना, जिससे मैं लिपटी उसे आपने छुड़ाना चाहा। आप तो नर और नारी के भेदभाव से ऊपर उठ चुके हैं, फिर मुझ जैसी एक बदनाम नारी को ऊपर उठाने से क्यों कतरा रहे हैं आप? मेरी नफरत के अलावा तुझे यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। आप जिसे मिले उसे फिर क्या मिला नहीं?
ला 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 आहा आहा हा हा आहा हा आहा हा ला 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 ला
लाओ मुझे शराब दो। आचार्य जी आप? हाँ मैं। तुझे क्या लगा मैं इतनी दूर से तुझे उपदेश देने आया हूं? ला शराब ला। बकवास।
Moments of Love, Classic, Dance of Love, Classic, Dance of Love. छूके तू देख जरा, पास आके देख जरा, छूके तू देख जरा, पास आके देख जरा। तेरे अब तो मुझ पर ना ये नशा तेरे ऐसा है जादू चला। आ आ मुझे देख, आ आ मुझे देख, छूके तू देख जरा, पास आके देख जरा, छूके तू देख जरा, पास आके देख जरा, छूके तू देख जरा, पास आके देख जरा। हाँ, सर चढ़ने लगा इश्क उसका, जो कल तक थी तेरे पैरों की ठुकराई हुई। ए, जा जा यहां से, बड़ा उपदेश देने आया है। वाह वाह, अब ये उपदेश लगने लगा है। उपदेश देने वाला अभी उपदेश से ही घबरा रहा है। हैरान हूं तेरे पहलू में शराब और शबाब। हाँ हाँ, उसे देखकर जीने की तमन्ना जागी है। दिल में चिंगारी सुलगी तो पीली, अरे गिरना और डगमगाना भी तो जरूरी है संभालने के लिए। जा ए आचारिया, तूने जिंदगी का आंचल इतना सुर्ख कभी नहीं देखा। हाँ हाँ, नहीं देखा, नहीं देखा, मैंने नहीं देखा। आचार्य जी संभालिए अपने आप को, रात बहुत हो चुकी है, जाके सो जाइए। ए सदानंद, नींद ही नहीं आती रे, नींद ही नहीं आती। ये तन्हाई, खाली कमरा, खाली बिस्तर, सब कुछ खाली। अब मुझे सब कुछ चाहिए, सब कुछ चाहिए मुझे। मुझे क्रोध चाहिए, लोभ चाहिए, माया चाहिए, ममता चाहिए, काम चाहिए मुझे, काम। मुझे सब कुछ चाहिए, सब कुछ चाहिए मुझे, सब कुछ चाहिए।
मुझे सब कुछ। आचार्य जी आप यहां? हम तो कहीं भी जा सकते हैं, हम तुमसे कुछ जानना चाहते हैं। क्या? आकर्षण के इस पागलपन को, प्यार के नशे को। स्वामी शंकराचार्य ने अपना शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में चले गए थे, ये जानने के लिए कि काम तृप्ति क्या होती है। अरे अरे, ये क्या कर रहे हैं आप? एक पापिन, नीच, सलील वैशा को छू रहे हैं? दिल के हाथों लूट गई सोच की दौलत। झूठ बोल रहे हैं आप। आपके पास तो ज्ञान है, सिद्धि है, धर्म का रास्ता है और मोक्ष की मंजिल। सब कुछ फीका पड़ गया तुम्हें पाने की चाह में। मैं तो एक गंदी नाली का कीड़ा हूं, गटर की पैदाइश। आपके पूजने वालों ने अगर यह नजारा देखा तो वो क्या कहेंगे? जिसे जो चाहे कहने दो, लेकिन मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूं डोली। मैं तुम्हें पाना चाहता हूं, मैं संपूर्ण प्रेम हूं। मेरी बाहों में आ जाओ, मेरे होठों से होठ मिलाकर मुझे तृप्ति के उस शिखर पर ले जाओ जो मैंने कभी नहीं देखा। जो ये नहीं हो सकता। क्यों क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? क्यों? आप जैसे महापुरुष के पतन का कारण मैं बनूं, ये मुझसे नहीं होगा। मुझ पर तरस खाओ डोली। मैं जिस आग में जल रहा हूं उसे सिर्फ तुमसे शांत कर सकती हो, तुम ही शांत कर सकती हो। मुझ में तरस खाओ डोली, मुझ में तरस खाओ। खामोश बदतमीज, मुझे सिखा दीजिए, अपनी मर्यादा में रहना सीख। हम ज्ञानी लोग कभी अपनी सीमाएं नहीं तोड़ते, अपनी मर्यादा में ही रहते हैं। लेकिन तूने तो सारी मर्यादा ही तोड़ दी। क्या होगा हमारे समाज का जब तू जैसी लड़कियां शरीफों की गलियों में नजर आने लगेंगी। तुझ जैसे वेश्या को ग्राहक से ही सुख मिलता है और तू धर्म की बात कर रही है। छोड़ दिया उस पापन ने उसे, अब उस लड़की की हिम्मत नहीं होगी कि किसी शरीफ आदमी के सामने सर उठाने की भी। मैनेजर, ये 5-star होटल है या प्रोस्टिट्यूट का अड्डा? तू अपने रिश्ते को पाक कहती है पापन? असिलर। देखिए सदानंद जी, आपके आचार्य जी क्या कर रहे हैं? आचार्य जी, आप इस वेश्या के साथ? वो वेश्या नहीं है, वो वेश्या नहीं है, वो वेश्या नहीं है, वो वेश्या नहीं है, ये वेश्या नहीं है। ये वेश्या नहीं है, ये वेश्या नहीं है, ये Yeah.
तुम आचार्य जी को दुनिया की नजरों में गिराना चाहती हो? सदानंद जी, मुझे नहीं, अपने आचार्य जी को जाकर समझाओ कि गिरने के अलावा और भी मकाम होते हैं मोहब्बत में। तो तुम सूरज को प्यार करती हो? हाँ, मैंने सूरज को दिलो जान से प्यार किया और उसने भी मुझे उतना ही प्यार दिया। लेकिन ये तुम्हारे आचार्य जी ने, ये तुम्हारे धन के ठेकेदार ने मुझे मेरे प्यार को, मेरी पूरी जिंदगी को बर्बाद करके रख दिया। ये लोग हर बात जानते हैं, कहते हैं और सुनते हैं, बस सुनते नहीं है दिल के टूटने की आवाज को। पर ये तुम्हारे धर्म का ठेकेदार एक दिन ना कुछ सुन पाएगा, ना सोच पाएगा और ना ही समझ पाएगा। सतानंद जी। जी राजीव जी, हम सब ने फैसला किया है कि डोली को यहां से फौरन निकाल दिया जाए, क्यों? ठीक है ना भाई? जी अच्छा। डोली, तुम अच्छी हो या बुरी, गलत हो या सही, इस विषय पे बात करने का हमें कोई अधिकार नहीं। लेकिन अपनी भलाई और इस आश्रम की भलाई चाहती हो तो फौरन यहां से चली जाओ, ये हम सबकी राय है। ठीक ही कहा आपने। मैंने आपके आचार्य जी को पुण्य के मार्ग से हटाकर पाप के दलदल में ढकेल दिया है और अपने अपमान का बदला ले ही लिया है। मेरे प्यार को वासना का नाम देने वाला आज खुद ही हवस की आग में जल रहा है और हमेशा जलता रहेगा, चाहे मैं यहां रहूं या चली जाऊं। और हां, अपने आचार्य जी को मेरा प्रणाम कहना और उनसे कहना कि मैं उनकी जिंदगी से हमेशा के लिए चली गई हूं। डोली, 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 मुझे छोड़कर नहीं जा सकती डोली। कब तक, कब तक मुझे इस आग में जलाती रहोगी? आओ मेरे पास आओ। क्या मजा देती है बिजली की चमक मुझको, मुझसे ही लिपट गए मेरे नाम से डरने वाले। तुम मुझे यहां तक लाई हो, तुम, पहले नफरत थी तुमसे, क्या क्या जादू है तुम में? मैं तुम्हें इस कदर चाहता हूं डोली कि तुम्हारा अपमान सहकर भी बार बार तुम्हें माफ कर देता हूं। पर आचार्य जी, आपके मुताबिक तो मुझमें कई बुराइयां हैं, हुस्न अदा, थिरकन, बेपरवाही। इतना गुरूर मत करो डोली, मत करो, पल भर में टूटकर बिखर जाएंगी सारी अदाएं। जैसे आपके अपने संस्कार टूट गए। सागर में जब तूफान आता है तो सारी सीमाएं तोड़कर नाश कर देता है। पर आपने तो कहा था कि सारे ज्ञानी अपनी मर्यादा में रहते हैं। आप शायद भूल गए हैं आचार्य जी कि मैं कौन हूं, एक पापन, असना। चुप, चुप, एकदम चुप। जिंदगी के सारे रास्ते तुम्हारे लिए बंद हो गए डोली, अब तुम बिल्कुल अकेली हो। मेरे पास आओ, जिंदगी में कोई भी लड़की अकेली जिंदगी नहीं गुजार सकती। सिर्फ एक बार कह दो कि तुम मुझसे प्यार करती हो, तुमने मुझे जो खुशियां, मस्तियां, जो प्यार दिया है, वो सब मैं तुम्हें लौटाना चाहता हूं। सब कुछ, सब कुछ लौटाना चाहता हूं।
मेरी तकदीर बनाने वाला आ गया। मैं ही दूल्हा हूँ, मैं ही पुजारी हूँ, मैं ही बाराती हूँ। हमारे पे संगम का समय आ गया है डोली। तू पापी है, तू खूनी है। ये पवित्र अग्नि तेरे इस पाप की साक्षी नहीं बनेगी, छोड़ दे। पाप पूरी क्या है, सब भूल गया हूँ मैं। तू मेरी सांसों में बसी है, मेरी धड़कन में बसी है, मेरे रोम रोम में बसी है। तुम ठीक तो हो ना डोली? मुझे मुझे माफ कर दो डोली, मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं पाऊंगा। मेरी सारी सिद्धियां, सारी तपस्या, मेरा पूरा जीवन मैं तुम्हारे चरणों में अर्पित करता हूं। तुम जीत गई हो डोली, मैं हार गया डोली, मैं हार गया डोली। आचार्य, मेरा एक सपना था कि एक दिन एक राजकुमार सफेद घोड़े पर आएगा और मुझे अपने महल लेकर जाएगा। देख, वो राजकुमार आ गया। और पुण्य की शिक्षा देने वाले, तूने मुझे पापिन कहा। सूरज और मेरे पवित्र प्यार को तूने पाप कहा। पाप क्या है, पुण्य क्या है, आज मैं तुझे समझाऊंगी। सूरज का प्यार पुण्य है और तेरी वासना की भूख पाप है। पाप
नीच को नीच कार्य करने से ही सुख मिलता है, ये झूठ है। जो कीड़ा गंदी नाली में पैदा होता है उसे कभी फूलों का बगीचा नसीब नहीं होता, ये गलत है। वासना की आग में डूबी एक पैसों की पुजारन के चुंगल से आज मैंने एक शरीफ और नौजवान को बचा लिया, एक पापिन के बनाए हुए गड्ढे से बाहर निकाला। ये पाप है, अगर ये पाप है तो पुण्य क्या है? अभी उससे जाकर पूछता हूं, अभी जाकर पूछता हूं। उस रात आचार्य का सब कुछ चल गया, कई लोग भागदौड़ में जख्मी हो गए, आचार्य को जेल में डाल दिया गया और कुछ महीने बाद उसे आजाद भी कर दिया गया, पर हथकड़ियां और बेड़ियां पहनाकर, क्योंकि वो अपना मानसिक संतुलन खो चुका था और क्रोधित होकर लोगों से मारपीट करता था। लंदन में डोली सूरज की दुल्हन बनी, जेके मल्होत्रा ने सितारा देवी का केस रीओपन करवाया और कैद से रिहा करवा दिया, लेकिन आचार्य हर रोज एक ही सवाल का जवाब अग्निदेव से पूछता रहा। हे अग्निदेव, सारे ब्रह्मांड को रोशनी देने वाले, बता पाप क्या है और पुण्य क्या है? क्या मैंने कोई पाप किया? कल बताओगे? कल कल मैं फिर आऊंगा, कल मैं फिर आऊंगा, कल मैं फिर आऊंगा, कल मैं फिर आऊंगा। मन में नाचूं, नाचूं हाँ मैं नाचूं, नाचूं मगन मन में नाचूं।